कोरोना के शुरुआती वायरस से कई ज्यादा संक्रामक है डेल्टा प्लस वेरिएंट, शोध में किया गया दावा। कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के उभारने एक बार फिर भारत से लेकर दुनिया भर की सरकारों और विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा के म्यूटेशन से आया। डेल्टा को भारत में दूसरी लहर में तबाही के लिए जिम्मेदार माना जाता है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस 11 देशों में मिल चुके हैं और ये अल्फा की तुलना में 35 से 60 फीसदी अधिक संक्रामक है। आइए जानते हैं डेल्टा प्लस से कितना खतरा है और क्या ये तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार हो सकता है। आपको बताते हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है। ये नया स्वरूप डेल्टा प्लस AY1 भारत में सबसे पहले सामने आए डेल्टा B.1.617.2 में म्यूटेशन से बना है। इसके अलावा K41N नाम का म्यूटेशन जो दक्षिण अफ्रीका में बीटा वेरिएंट में पाया गया था उससे भी इसके लक्षण मिलते हैं। इससे ज्यादा खतरनाक है। कुछ विषाणु वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि ये वेरिएंट अल्फा की तुलना में 35 से 60% अधिक संक्रामक है। भारत के शीर्ष विषाणु विज्ञानी और इंडियन सार्स COVID-2 जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम के पूर्व सदस्य की माने तो डेल्टा प्लस वेरिएंट वैक्सीन और इम्यूनिटी दोनों को चकमा दे सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि डेल्टा प्लस में वे सारे लक्षण हैं जो डेल्टा वेरिएंट में थे, साथ ही बीटा वेरिएंट के लक्षण भी इसमें हैं। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि वैक्सीन का असर बीटा वेरिएंट पर कम है। बीटा वेरिएंट वैक्सीन को चकमा देने में अल्फा और डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा तेज है। हालांकि सरकार ने अध्ययनों के हवाले से कहा है कि डेल्टा वेरिएंट पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन प्रभावी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारतीय सार्स COVID-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के हवाले से डेल्टा प्लस को वर्तमान में चिंताजनक बताया है। दरअसल वायरस का कोई वेरिएंट तब चिंताजनक बताया जाता है जब वो अधिक संक्रामक हो और गंभीर रूप से बीमार कर सकता है। WHO भी इस पर नजर बनाए हुए है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, नेपाल, पोलैंड, पुर्तगाल, रूस, स्विट्जरलैंड और तुर्की में करीब 200 केस मिल चुके हैं। हालांकि भारत और ब्रिटेन में इससे मौत का कोई मामला सामने नहीं आया है। भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट को पहली बार 11 जून को पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड बुलेटिन में रिपोर्ट किया गया था। वहीं कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख वी के पॉले के मुताबिक वेरिएंट के मामले मार्च में यूरोप में सामने आए थे,